अब दूसरा है लोकोक्ति। लोकोक्ति है जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान रखने वाले दिखावा अधिक करते हैं। दूसरी लोकोक्ति है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम और कम लाभ। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं आशा से अधिक, लेकिन हमें फल क्या मिलता है, बहुत थोड़ा मिलता है। तो हम उस समय सोचते हैं यार कि हमने तो मेहनत इतनी करी थी लेकिन उसकी अपेक्षा हमें फल क्या मिला है, कम मिला है। तो इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब देखिए बेटा मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर, अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। मुहावरा यह एक वाक्यांश होता है और इसके विपरीत लोकोक्ति क्या है, एक पूरा वाक्य है। दूसरा है मुहावरे के प्रयोग से हमेशा वाक्य के संदर्भ, मुहावरे का प्रयोग हमेशा किसके संदर्भ में होता है, वाक्य के संदर्भ में होता है। और इसके अपोजिट लोकोक्ति, इसका प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप में होता है, खुलकर। स्वतंत्र मतलब होता है खुलकर। फिर मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है और ये अर्थ विशेषता लाते हैं। किसमें विशेषता लाते हैं, वाक्यों में। और इसी के अपोजिट लोकोक्ति मूल शब्द में रहता है, हमेशा लोकोक्ति किसमें रहता है, अपने मूल शब्द में रहता है, क्योंकि इसमें अनुभव निहित रहता है। मुहावरा थोड़े में बहुत कुछ करने का काम करता है। मुहावरे क्या होते हैं, थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं। और इसके अपोजिट लोकोक्ति यह घटनाओं पर आधारित होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोकोक्ति और मुहावरा क्या है। अब आज का गृह कार्य है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करिए। सबसे पहले आप लोकोक्ति क्या है ये जानेंगे, मुहावरे क्या है ये जानेंगे, और उसके बाद इन दोनों में, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करेंगे।